पंजाब में शेर की धाड़, फिल्में तीर के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सबसे आगे आजाद उम्मीदवार। इलेक्शन 2024 में आवाम ने फैसला सुना दिया। कौमी असम्बली के 148 हलकों के नतायज न्यूज वन को मौसूल। 57 नशस्तों के आजाद उम्मीदवार, 41 मुस्लिम लीग नून, 35 पीपल्स पार्टी के नाम, JUI2, MQM, BNP, मुस्लिम लीग काफ, PK मैप और PML की एक एक नशस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक नून लीग के कायद नवाज शरीफ N130 से कामयाब। शहबाज शरीफ भी लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बलियों की दोनों नशस्तें जीत गए। मरियम नवाज, एहसन इकबाल, अयाज सादिक भी फाहते करार। हमजा शहबाज को आलिया हमजा पर बढ़तरी। बैरिस्टर गौहर, शानदाना गुलजार, कवल शोजब, उमर अयूब, अली मोहम्मद खान, जरताज गुल समेत कई आजाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो की दो हलकों पर फतह। पीपल्स पार्टी शहीद बेनजीराबाद से आसिफ अली जरदारी की जीत। मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, नफीसा शाह, आगा रफीउल्ला भी कामयाब। मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी अपने दोनों बेटों के साथ तीन नशस्तें ले उड़े। शाह महमूद कुरैशी के बेटे की फतह, बेटी हार गई। गुजरात में परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही को भतीजे सालिक हुसैन ने हरा दिया। इस तहकाम में पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान और ओन चौधरी भी फाहते करार। पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप, 130 में से 73 सीटों पर कामयाबी के बाद जियाले हुकूमत बनाने की पोजीशन में। MQM 5, GDA 3, 7 नशस्तें दीगर जमातों के नाम। पंजाब में शेर की धाड़, मुस्लिम लीग नून सबसे आगे 51 नशस्तों के साथ, नून लीग का पहला नंबर। आजाद उम्मीदवार 73 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, काफ लीग की दो नशस्तें। खैबर पख्तूनख्वा में आजाद उम्मीदवार बाजी ले गए, 115 में से 58 नशस्तों पर फाहते करार। नून लीग ने 5, JUI ने 1 सीट जीती। बलूचिस्तान असेंबली में JUI और पीपल्स पार्टी की 8-8 नशस्तें। नून लीग 4 सीटों पर कामयाब, 9 दीगर जमातों के नाम। मानसेरा से नून लीग को बड़ा धक्का, नवाज शरीफ मुखालिफ उम्मीदवार से हार गए। लाहौर में पीपल्स पार्टी की अपसेट शिकस्त, नून लीग के अता तारण ने बिलावल भुट्टो को हरा दिया। इलेक्शन कमीशन की गफलत या फुर्तियां, N130 लाहौर से नवाज शरीफ कामयाब। हल्के के फॉर्म 45 और 47 में तजाद आ गया। फॉर्म 47 के मुताबिक हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,93,693 है, जबकि फॉर्म 47 के मुताबिक डाले गए मजमूई वोटों की तादाद 2,94,043 है, जो कि रजिस्टर्ड वोटों से 350 वोट ज्यादा है। तारीख के सबसे बड़े इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान को डेरा इस्माइल खान और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लक को लोअर दीर से शिकस्त। जहांगीर तरीन चौधरी निसार, शेख रशीद, गुलाम सदर खान भी नाकाम। नू लीग के साथ रफीक पीपल्स पार्टी के लतीफ खोसा से हार गए। साबिक गवर्नर महमूद खान और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक भी नाकाम। यास्मीन राशिद मेहरबानो कुरैशी को भी शिकस्त। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ और रेहाना डार दोनों का जीत का दावा। लाहौर से नून लीग के शेख रुहेल असगर भी कौमी असम्बली की नशस्त पर जेर। मियांवाली से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद उमैर को मुखालिफ उम्मीदवार से शिकस्त। फैसलाबाद से आजाद उम्मीदवार आगे, राना सनाउल्ला पीछे। अमीर मुकाम को सुवात और शांगला दोनों नशस्तों पर शिकस्त। चार सदा में आजाद उम्मीदवार अनवर ताज को आफ्ताब शेरपाव पर बरती दी। तस्लीम कर ली। आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, अल्लाह आने वाली पार्लियामेंट को मुत्तहिद करे, कौमी बहरानों पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। इलेक्शन में सियासी उम्मीदवारों के फुटोहात पर जश्न, कहीं पीपल्स पार्टी के जियालों के भंगड़े तो कहीं नून लीगी मतवालों के ढोल की थाप पर रक्स, हवाई फायरिंग और मिठाइयां भी तकसीम। आजाद उम्मीदवारों की जानिब से भी जीत का शानदार जश्न। थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई, 7 मुलजमान गिरफ्तार, मुलजमान से बैलेट पेपर्स बरामद, मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 1000 से ज्यादा पॉइंट्स गिरने के बाद 100 इंडेक्स 63,000 से 31 पॉइंट्स पर ट्रेड, सरमायाकारों के लाखों रुपए डूब गए। हर गुजरते वक्त के साथ पोलिंग का अमल तेज हो रहा है, वोटर्स की जोक दर जोक आमद का सिलसिला भी जारी है। और अब रुख करते हैं जनूबी पंजाब के शहर फोर्ट अब्बास का, और अब रुख करते हैं मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची का। पंजाब असेंबली की बात करें तो मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो उनका जो बड़ा रिजल्ट है। इलेक्शन 2024 का सबसे बड़ा दंगल, न्यूज वन की भरपूर कवरेज, कराची से खैबर पोलिंग के हवाले से पल पल की रिपोर्टिंग, पहले वोट से लेकर आखिरी नतीजे तक न्यूज वन के नुमाइंदे नाजरीन के साथ साथ मुल्क के चप्पे चप्पे से न्यूज वन की जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग, खसूसी ट्रांसमिशन में तंजियाकारों का सबसे बड़ा पैनल।